Good morning, friends. I am your maths teacher. This is your maths book, Maths Files. And today I am going to start your unit 6.1. Unit have the linear equation with one variable. Linear equation with one variable. तो इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं क्या होती है. लीनियर इक्वेशंस क्या होती है डेफिनेशन. एन इक्वेशन हैविंग वन वेरिएबल. वन वेरिएबल मींस उसमें जो वेरिएबल होंगे वो एक ही होगा. सबसे पहले देख लेते हैं वेरिएबल होते क्या है. जो इक्वेशन में हमारे पास एक्स वाई जेड ए बी सी इस तरह से लिखे होते हैं वो वन वेरिएबल होते हैं. और जो उनके साथ नंबर होते हैं वो हमारे कॉन्स्टेंट होते हैं. ठीक है. तो Having highest power, वन. इसमें कोई डिग्री नहीं होती. किसी भी चीज की कोई पावर नहीं होती. ना एक्स की पावर होती है ना वाई की पावर होती है. सिंपल एक बार नंबर वन है ना. नंबर वन केवल एक ही पावर होती है. तो इस कॉल लीनियर इक्वेशन. तो वैसे इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं. और इसका जो एग्जांपल है जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू एट एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू एट या सेवन एक्स इज इक्वल टू एट या फिर x upon 7 is equal to 8. तो ये इसके कुछ examples हैं linear equation के. तो यार properly देखिए कैसे. मैं जरा आपके exercise 6.1 start कराता हूँ इसमें से. Okay. तो आपके पास question number 1 है इसका. Which of the following is not the correct statement from 2p minus 5 is equal to 11. और यार आपके पास question number. तो पहले आपके पास इस 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2p वी विल गेट 11. अगर हम 5 को 2p से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें 11 मिलता है. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर p द रिजल्ट इज 11. 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p. ये p नहीं है ये 2p है. तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग. नंबर 3 2p is 11 more than 5. 2p is 11 more than 5. Yes. ये statement आपका true है. And difference of 2p and 5 is 11. ये भी statement आपका correct है. इसको जो wrong answer इसका correct answer हुआ इस question का वो है आपके पास B option. If 5 is subtracted from the p, the result is 11. Question number 2 है आपके पास. Which of the following is not a linear equation? इनमें से कौन सी equation linear नहीं है? तो देख लेते हैं. 2 वाली का x square is equal to 1 लिखा हुआ. दूसरा है आपके पास 2x is equal to 5 लिखा हुआ है. m plus n is equal to 1 लिखा हुआ है. और y minus 1 is equal to 0 लिखा हुआ. तो हमें इसमें से बताना है कि कौन सी equation linear नहीं है. मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि इन इक्वेशंस में कोई भी पावर नहीं होती और यहां आपके पास पावर है x की पावर 2 x टू की पावर 2. तो ये हमारे लीनियर इक्वेशन नहीं. बाकी तीनों हमारे लीनियर इक्वेशन है. लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल और यहां पर टू वेरिएबल्स हैं. तो ये लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल है और यहां पे हमारे पास वन वेरिएबल है. तो ये लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. Which of the following is not the linear equation in one variable? इनमें से कौन सी equation आपकी one variable के साथ नहीं है? जैसे आपके पास लिखा है 3x minus 1 is equal to x plus 2. Second में लिखा है x is equal to 0. 3m n minus 4m is equal to 10. और एक और option आपके पास 5x is equal to 4x minus 2. तो कहता है which of the following is not a linear equation in one variable. इनमें से कौन सी equation ऐसी है जो one variable में नहीं है. तो इसका जो C option है ये वाला. इसमें कितने variable हैं? इसमें two variables हैं. एक m और एक m. ठीक है. Now question number 3 की तरफ चलते हैं. question number 4 की तरफ. Rewrite each of the following statement in the form of the equation. अब हमें एक equation बनाते हैं. In the form of the equation. तो कैसे लिखेंगे? जरा ये देख लेते हैं. Question number 4.
वाले आपके पास द सम ऑफ थ्राइस, द सम ऑफ थ्राइस, थ्राइस ऑफ एक्स एंड फाइव इज 17. द सम ऑफ थ्राइस ऑफ एक्स, तो ट्राइस क्या लिखा, थ्राइस ऑफ एक्स सम करना है. किस किस का सम करना है, सम मीन्स हमें सब कर प्लस करना, तो किस किस का, थ्राइस ऑफ एक्स, थ्राइस ऑफ एक्स एंड फाइव, एंड फाइव इन दोनों का सम करना है और क्या आना चाहिए, सम ऑफ, सम ऑफ किस किस का, थ्राइस ऑफ एक्स मीन्स थ्री एक्स, ट्वाइस ऑफ एक्स होता इट मीन्स टू एक्स एंड फाइव, तो थ्री एक्स प्लस फाइव इज इक्वल्स टू 17. इस तरह से एक नंबर वो देख लेते हैं, इसमें इसका ए पार्ट था और इसका बी पार्ट होता है, बिल्कुल ए नंबर एम मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ इज 4 मोर देन थ्राइस ऑफ ए नंबर यानी कि 3x, एक नंबर लेट कर लेंगे, लेट नंबर इज इक्वल्स टू x, देन 3x एडेड 7, 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 12. d वाला आपके पास 2 सबट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 9, अगर हम m से 2 को माइनस कर देते हैं तो कितना आता है 9, तो m माइनस 2 इज इक्वल्स टू 9. इसी में e वाला है आपके पास 8 टाइम p प्लस 1, 8 times p means 8p plus 1 equals to 49. And f wala hai, the number x divided by 3 gives us minus 1. Iska dekh lete hain. A number x divided by 3 gives us minus 1. Is tarah se. Okay class? So you have divided 2, 3, 4 questions. Question number 5 dekh lete hain. Write an equation each of the following statement. Same इसी की तरह है. Question number 4, 5 जो है, same इसी की तरह है. हमें इनके statement बनाने. तो ये इनके statement थी. 5 time of a number added, 5 time of a number A added to 7 time another number B is equals to 43. तो इसका बनाते हैं. इसका तो ये आपके पास राइट एन इक्वेशन ईच फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहले स्टेटमेंट क्या है, फाइव टाइम ए नंबर ए, फाइव टाइम ए नंबर ए, सेवन टाइम अनोदर नंबर बी, सेवन टाइम अनोदर नंबर बी, ठीक है ना, एड ओके इक्वल्स टू 43. फाइव टाइम ऑफ ए नंबर ए एंड एड टू सेवन टाइम ऑफ नंबर बी इज इक्वल्स टू 43. इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी एस का पार्ट बी, ये पार्ट ए का
ये पार्ट बी है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 61, तो लेट करो राइट, टू नंबर आर 8 and B। हमने दो नंबर लेट कर लिए ए एंड बी। अब वो कहता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या कहता है वो कि इनके स्क्वायर का सम, फर्स्ट वाले का स्क्वायर और सेकंड वाले के स्क्वायर का सम कितना होगा, एज 61। आंसर इसी तरीके से तुम्हारे पास सी वाला ऑप्शन क्या है तुमसे, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर ए एंड बी इज इक्वल टू 30। इस बार हमने सब किया था, इस वाले में मैं डिफरेंस कर रहा हूं, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 30। इसी का पार्ट डी है, 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 3 एंड ए ट्वाइस ए नंबर, तो डी वाले में भी 3 टाइम अ नंबर इज इक्वल टू 3 एंड द नंबर 3 टाइम्स लाइक टू इज नंबर राइट, नंबर इज इक्वल्स टू एक्स, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द लिखते हैं इसमें 3 टाइम अ नंबर 3 टाइम अ नंबर इज इक्वल्स टू 3 एंड टू बी ट्वाइस अ नंबर, ठीक है, 3 टाइम नंबर इज इक्वल टू 3 एंड ट्वाइस अ नंबर। तो ये हमारे स्टेटमेंट बन गए, ये हमारे क्या बन गए स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जरा इसे से, ये है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट, हमें इनके स्टेटमेंट लिखने हैं, जैसे x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, तो क्या लिख सकते हैं उसको, सम ऑफ x एंड 3 इज 7। पहले हमने स्टेटमेंट की इक्वेशन बनाई थी, अब हमें इक्वेशन की क्या बनानी है, स्टेटमेंट। एक और देखते हैं, m माइनस 4 इज इक्वल टू 1, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ, किस किसका डिफरेंस है, m एंड 4, और कितना आंसर आ रहा है, इज 1। इस तरह से इसमें से ए वाला था आपका, ये बी है, और इसमें से इसी आप करेंगे डी का आंसर। लिखा है x अपॉन 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, तो इसको कैसे लिखेंगे, डिवाइडेड बाय x टू 4 एंड एडिट 3 इज इक्वल टू 7, x इज डिवाइडेड by 4 and it 3 is 7, इस तरीके से, ओके। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।